उत्पत्ति नामक पुस्तक जो बाइबल का सबसे प्रथम पुस्तक है, उसका एक अध्याय, उसका एक वचन से लेकर उसका चार वचन तक पढ़ दीजिएगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? सृष्टि के बारे में लिखा हुआ है। उत्पत्ति का किताब इसलिए उसका नाम उत्पत्ति है क्योंकि उसमें सारे चीजों का उत्पत्ति है। सब चीजों के बारे में कैसा उत्पत्ति हुआ है वो आपको यहाँ पर इस किताब में मिल जाएगा, उत्पत्ति नामक पुस्तक में। ध्यान से सुनेंगे, जब परमेश्वर सृष्टि करने के लिए, इस दुनिया को सृष्टि करने के लिए जब प्रभु ने डिसाइड किया, प्रभु ने निर्णय लिया, तब उस सृष्टि में क्या क्या चीजें हुआ और इसमें से हमारे लिए क्या फायदा है, इसमें से प्रभु हमें और आपको क्या सिखाना चाहता है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरा वचन में ऐसा लिखा गया है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। हालेलुया। जब इसको इंग्लिश बाइबल में हम देखते हैं, वहां लिखा गया है द अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म, मतलब कोई आकार नहीं था। मानो एक ऐसा घर केवल है, लेकिन घर के अंदर कुछ भी चीजें नहीं है, ना वो पेंट लगा हुआ है, ना दरवाजा लगे हुए हैं, ना घर के अंदर कुछ और लगा हुआ है, कुछ भी चीजें लगी हुई नहीं है, बल्कि एक ऐसा सृष्टि है। केवल यहां लिखा गया है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी कैसा था यहां लिखा गया, कैसा? सब बोलिए बेडोल। बेडोल का मतलब है कि वहां कुछ भी नहीं था, शून्य था, एक सुई भी वहां नहीं था, एक कंकड़ भी वहां नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक वहां पर कुछ भी चीजों का सृष्टि नहीं किया। और आगे लिखा गया है बेडोल तो था, साथ ही साथ पृथ्वी कैसा था? सुनसान था, क्योंकि कोई नहीं था, ना पेड़ थे, ना पौधे थे, ना जानवर था, ना इंसान था, कोई नहीं था, पृथ्वी एकदम फॉर्मलेस था और सुनसान था। और लिखा गया है बट वहां पे एक चीज था कि गहरा जल वहां पे था, बहुत पानी था, और उस गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था। उस गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था, और वहां अंधकार था। हालेलुया। कभी कभी ये वचन कोई कोई पढ़ने समय वे लोग ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर का आत्मा अंधकार में क्यों मंडला रहा है, क्योंकि उस समय उजियाले का सृष्टि परमेश्वर ने नहीं किया था। और एक बात मैं आपको बता दूं, परमेश्वर जहां होता है, परमेश्वर होता है, अंधकार उसके लिए मायने नहीं रखता। हालेलुया। आपके घर के लाइट ऑफ हो जाए आपको डर लग सकता है, लेकिन परमेश्वर को डर नहीं लगता। आपके घर ऑफ होने से आपको लगता है कि शैतान आ जाएगा, लेकिन परमेश्वर को लगता है कि मैं अब भी इस घर में हूं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि घर के स्विच ऑफ जब हो जाता है, करंट चला जाता है रात के समय, तो हमें ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ दुष्ट आत्मा की क्रियाएं आरंभ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर उजियाले में जैसे आपके साथ है, अंधकार में भी आपके साथ है। तो यहां क्या लिखा गया है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर घूम रहा था, टहल रहा था या मंडला रहा था। और उसके बाद जब परमेश्वर का आत्मा वह मंडला रहा था, तीसरे वचन में लिखा गया है सीधा परमेश्वर ने अपने मुख से एक बात कहा, और परमेश्वर ने अपने मुख को इस्तेमाल किया, और उसने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, उजियाला हो। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, बाइबल में बताती है, तो उजियाला हो गया। और जैसे उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, लेकिन एक बात यहां पे मुझे बहुत अलग लगता है, परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, लेकिन परमेश्वर ने अंधियारे को कभी भी नहीं कहा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाले को देखा और क्या कहा,
अच्छा है। जब उसका पवित्र आत्मा अंधकार के ऊपर उस गहरे जल के ऊपर मंडला रहा था, कभी भी परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि अंधकार अच्छा है, अंधकार अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने क्या सृष्टि किया? उजियाला। और जैसे उसने उजियाले को सृष्टि किया, तब परमेश्वर ने यहां देखा और किसे देखा? उजियाले को देखा, और देखकर उजियाले को क्या कहा? कि अच्छा है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा गया मालूम है? और परमेश्वर ने, चार वचन के आखिरी भाग में, और परमेश्वर ने उजियाले को क्या किया? सब बोलिए, परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। थोड़ा मैं घुमाना चाहता हूं, तो परमेश्वर आप अंधकार को उजियाले से अलग क्यों नहीं किए? आपने उजियाले को अंधकार से अलग किया। आप बोलोगे बात तो एक है, परमेश्वर उजियाले को अंधकार से अलग करे या फिर अंधकार को उजियाले से अलग करे, बात तो एक है, लेकिन बात एक नहीं है। परमेश्वर ने अंधकार को नहीं कहा उजियाले को छोड़कर चला जा, लेकिन परमेश्वर ने उजियाले को कहा अंधकार से अलग हो जा। हालेलुया। सृष्टि के शुरुआत में परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जब सृष्टि कर रहा था, जब आप बाकी सृष्टियों को देखोगे ना, परमेश्वर हर दिन कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा ज्यादा बनाया है, पेड़ पौधा बहुत कुछ बनाया है, लेकिन सृष्टि के शुरुआत के दिन मतलब पहले दिन में प्रभु ने कुछ नहीं बनाया, एक ही चीज बनाया, और वो क्या था? सब बोले उजियाला। और उजियाला बनाया, और केवल उजियाले को अंधकार से क्या किया? अलग किया। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर आपको और मुझे इस दुनिया में क्या नाम लेकर पुकारता है? परमेश्वर आपको और मुझे इस दुनिया में एक नाम लेकर पुकारता है, हे ज्योति का संतान। हालेलुया। हे उजियाले का संतान। मैं और आप अंधकार का संतान नहीं है, मैं और आप किसका संतान है? उजियाले का संतान है। इसलिए कभी मत बोलिए अंधकार को प्रभु आज्ञा देगा कि आपको छोड़ के चला जाए, या प्रभु आपसे कहता है कि आप अंधकार को छोड़ के अलग हो जाए। बताइए ना, प्रभु आपके जिंदगी में जो अंधेरा है, आपके जीवन में जो भी अंधेरा घूम रहा है, आपके जिंदगी के अंधेरों को प्रभु कहेगा कि आपको छोड़कर चला जाए, या प्रभु ने आपको बोला कि अंधेरे से अलग हो जा? प्रभु ने उजियाले को कहा कि अंधेरे से क्या हो जा? अलग हो जा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की सृष्टि का सबसे पहला काम यह था अंधकार से उजियाले को क्या करना? अलग करना। ये बहुत बड़ी बातों को दिखाता है कि परमेश्वर ने सृष्टि करके दिखा दिया है कि मैं इसलिए परमेश्वर हूं कि मैं अंधकार से उजियाले को क्या करता हूं? हटाता हूं। मैं अंधकार और उजियाले को एक साथ पसंद नहीं करता, या तो अंधेरा होगा या तो उजियाला होगा। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं जो विशेष करके है, ध्यान से सुनेगा। जब पृथ्वी में कोई आकार नहीं था, जब पृथ्वी में कोई सृष्टि नहीं था, जब पृथ्वी में कुछ चीजें बना नहीं था, लेकिन जब सृष्टि बनाने के लिए परमेश्वर जब यहां उतर आया, यहां दो चीजों को हम देखते हैं, एक तो परमेश्वर था और परमेश्वर का आत्मा था। जाहिर सी बात है, परमेश्वर आत्मा है, इसलिए परमेश्वर का आत्मा वहां क्या हो रहा था? घूम रहा था। ध्यान से सुनेगा, इस वचन से मैं आपके जीवन में एक बातें मैं बोलना चाहता हूं भविष्यवाणी के तौर पर। पता है, कभी कभी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे जरूरतों में बहुत सारी चीजें ऐसे अभी तक है जो अंधेरा पड़ा हुआ है, जहां अभी तक तैयार नहीं हुआ, जहां अभी तक सृष्टि होना बाकी है, जहां अभी तक सुनसान पड़ा हुआ है, जहां अभी तक बेडोल पड़ा हुआ है, वह कोई भी तरह का सृष्टि का घोषणा परमेश्वर की ओर से उस क्षेत्र में नहीं हुआ। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो उद्धार में आ गया, मेरा जीवन तो बदल गया, लेकिन मेरी पत्नी प्रभु के पास नहीं है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक दिल दुखाने वाली बात है। कुछ लोग बोलते हैं हम पति पत्नी प्रभु के विश्वास में हैं, लेकिन मेरा बेटा प्रभु के उद्धार में नहीं आया। कुछ लोग कहता है मैं विश्वास में हूं, मेरी पत्नी विश्वास में है, मेरा बेटा विश्वास में है, लेकिन मेरी बेटी विश्वास में नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हम सब विश्वास में हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे काम में उन्नति नहीं है, हमारे घर में उन्नति नहीं है, हमारे पड़ोसियों के साथ बनता नहीं है, हमारे बीच में बहुत सारे लड़ाइयां हैं,
तुम्हें बोलना चाहता हूं, अभी भी आपके घर में, आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में, आपके अपनों के बीच में कुछ ऐसा जगह है जो सूना पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा जगह है जो बिडोल पड़ा हुआ है। अगर सूना और बिडोल पड़ा हुआ है तो सूनेपन को, बिडोलपन को कोई ठीक नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर या परमेश्वर का आत्मा। और यहां पर क्या मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब सृष्टि बेडोल था, उसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली था, सुनसान था, तो उस सुनसान अवस्था में सृष्टि करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिए, आपके बेडोल अवस्था को भी बदलने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। आपके जिंदगी के रुके हुए जगहों को सही हरा भरा करने के लिए भी दो चीजों की अवस्था है, जरूरतें हैं जो आपको समझना है। और दो चीजें क्या मालूम है, मेरे साथ बोलिए, एक तो पवित्र आत्मा, जोर से बोलिए, एक तो पवित्र आत्मा, दूसरा परमेश्वर का वचन। यहां पर क्या है, पवित्र आत्मा पानी के ऊपर क्या हो रहा था, देखिए यार सुनिए मेरे बातों को ध्यान से, जहां पवित्र आत्मा मंडला रहा था वहीं पर ही परमेश्वर आकर कहा, लेट देयर बी ए लाइट, वहां उजियाला हो। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा उजियाला हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पवित्र आत्मा क्या हो रहा था, मंडला रहा था। मैं बोलना ही चाहता हूं, पवित्र आत्मा जहां होता है वहां सृष्टि होना निश्चय है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप पवित्र आत्मा के साथ मुलाकात करो और पवित्र आत्मा आपके जीवन को ना बदल सके। पवित्र आत्मा ऐसा कार्य नहीं करता। जो भी व्यक्ति आज तक परमेश्वर को उस आत्मा से मुलाकात किया है, मिला है, परमेश्वर उसको आज तक कभी नहीं छोड़ा है, उसे संभाले रखा। भले वो व्यक्ति 7 बार गिर जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर का आत्मा उसे फिर से उठाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया। क्यों पता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जहां कुछ नहीं है वहां कुछ क्या कर देता है, बना देता है। इसलिए पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या ले आता है, बेडोल और सुनसान जगह पर प्रभु की सृष्टि को करता है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं मेरा बेटी ठीक नहीं है, कुछ लोग कहता है मेरा बेटा ठीक नहीं है, कुछ कहते हैं मेरे पति ठीक नहीं है, कुछ कहते हैं मेरी पत्नी ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सूनापन, जो बेडोल अवस्था आपके परिवार के किसी भी क्षेत्र में अगर है, एक बार परमेश्वर से कहे, प्रभु क्या तेरा आत्मा मेरे उस सूखे अवस्था के ऊपर मंडलाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा को अलाउ करोगे, अगर आप पवित्र आत्मा को बोलोगे कि मेरे उस सूखे अवस्था पे आप क्या करो, मंडलाओ, और परमेश्वर जब बोलेगा और उसके वचन को जब आप मानोगे, परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन मिलकर उस सूना अवस्था, उस सूखा अवस्था, उस सुनसान अवस्था को किस में बदल देगा। यहां क्या लिखा गया है, तुरंत परमेश्वर ने क्या कहा, उजियाला हो। हालेलुया। आप में से कितने ऐसा यहाँ पर बैठे हैं जो आप में महसूस करते हैं कि हाँ मैं प्रभु में हूँ, लेकिन अभी तक मेरे जिंदगी के कुछ ऐसा हिस्सा है कि मैं उस जगह पर सूना अवस्था महसूस करता हूँ, वहाँ पर सुनसान अवस्था महसूस करता हूँ। ऐसा कोई है हमारे कलीसिया में, एक दो जन? देखिए जब प्रीचर आपको कभी कहता है हाथ उठाओ, तो ये मान के रखना कि उससे परमेश्वर बात कर रहा है। कभी मत सोचना कि पास्टर संजय आपसे बात कर रहा है, क्योंकि मैं जब यहां से बात करता हूं तो यहां से बात करने के समय मैं प्रभु का दास हूं। एट ए सेम टाइम परमेश्वर मेरे द्वारा, हो सकता कि आप में से बहुत लोगों के भीतरी उस चीजों के बारे में बात करे जो आप मुझे कभी नहीं बताए हैं। यही है परमेश्वर का वचन का रहस्य। इसलिए जब परमेश्वर का दास कभी भी कहे कि ऐसा कोई है, अगर हाथ उठाए तो ये सोच के ना उठाए कि मैं कह रहा हूं, ये सोच के उठाए कि पवित्र आत्मा मुझसे कहता है कि ऐसा कोई है क्या, कि आपके घर के कुछ हिस्से अभी तक सुना पड़ा हुआ कोई है ऐसा। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी कुछ हाथ उठाए, हाथ उठाने में कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे घर के उस सुनसान हिस्से को, प्रभु मेरे घर के उस बेडोल हिस्से को, आज आपके मुख से एक शब्द आए कि लेट देयर बी अ लाइट, वहां उजियाला हो, और मेरा परमेश्वर उजियाला करे, आपके बच्चे, आपके बेटी, आपका हस्बैंड, आपका पत्नी, आपके परिवार का वो हिस्सा जहां अंधेरा है, मेरा परमेश्वर फिर से क्या करे, उजियाले में लेके आए। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते तो होगा, लेकिन उसके लिए क्या चीजों की आवश्यकता है, मैंने आपसे कहा दो चीजों की आवश्यकता है। एक है परमेश्वर का आत्मा, दूसरा है परमेश्वर का वचन। मैं वचन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा,
क्योंकि वचन के बारे आप सबों को मालूम है। मैं आज एक मुद्दे में आप लोगों से बातें करना चाहता हूं, और मेरा मुद्दा है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है। क्योंकि सृष्टि में पवित्र आत्मा था, आप कभी ये नहीं कह सकते कि मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है, मुझे पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा आप परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ना आपके लिए क्या है, मुश्किल है। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल का परमेश्वर कहता है एक एक युग में वो युग के हिसाब से काम हुआ है। मेरे बातों को ध्यान समझिएगा तब आप समझ पाओगे। एक समय था जब मूसा, हारून, एलिया, एलिसा, इर्मिया, बड़े बड़े प्रभु के दासगण जब थे, उस समय परमेश्वर काम करता था। उस समय यीशु नहीं था, उस समय पवित्र आत्मा भी नहीं था। हाँ, पवित्र आत्मा था, लेकिन अभी जैसा है वैसा पवित्र आत्मा नहीं था। ध्यान से सुनिएगा, उस समय परमेश्वर काम करता था, परमेश्वर मूसा से बोलता था, परमेश्वर एलिया से बातें करता था, प्रभु योना नबी से बातें करता था, प्रभु होसे से बोलता था, प्रभु बड़े बड़े दासों से अपना सेवा करवाता था, और वो करने वाला कौन था, परमेश्वर। लेकिन उसके बाद एक समय आया, परमेश्वर का युग खत्म हुआ, उसके बाद एक युग शुरू हुआ जिसे मैं और आप कहते हैं यीशु मसीह का युग। और उस समय ऐसा हुआ कि बहुत लोग यीशु मसीह को बोलने लगे कि हे यीशु, मुझे परमेश्वर को दिखा दे कि परमेश्वर कैसा है। यीशु उन लोगों से कहना शुरू किया कि तूने मुझे देखा, चिलों ने बोला हाँ मैंने आपको देखा, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देख लिया, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। फिर एक युग चला यीशु मसीह का, यीशु मसीह का युग ज्यादा नहीं चला, कितना चला, ऐसे तो वो खुद दुनिया में जीवित थे 33 साल, लेकिन उसने सेवा किया केवल 3.5 साल, एक छोटे समय के लिए सेवा किया, बड़े समय के लिए उसने सेवा नहीं किया, एक छोटे समय के लिए सेवा किया। मैं प्रभु से ज्यादा सेवा किया, कौन, मैं 2010 से सेवा कर रहा हूं, अभी कितना है 2023, तो मैं ज्यादा सेवा किया है, प्रभु ज्यादा सेवा किया, मैं ज्यादा सेवा किया। मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रभु जो समय सेवा किया उससे ज्यादा समय मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मेरा प्रभु केवल 3.5 साल तक सेवा किया। और मेरा प्रभु सेवा करके जब सूली पर मर गया, उसके बाद सूली से मरने से पहले भी अपने चेलों को एक बात कहता था, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये वचन आपके जीवन को बदल सकता है अगर आज लोगे तो। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि एक समय आएगा लोग मुझे पकड़ कर मार डालेंगे और मैं चला जाऊंगा। तब चेलों ने बोलने लगा प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, आप हमारे साथ रहना चाहिए। लेकिन प्रभु को मालूम है कि उसका सेवा एक लिमिटेड समय के लिए है, प्रभु पूरा दुनिया में पूरे समय तक रहने के लिए नहीं आया है, प्रभु को मालूम है एक छोटे समय के लिए प्रभु सेवा करने के लिए आया। तब प्रभु अपने चेलों को क्या बोलता था मालूम है, हर बात में बोलता था मैं जाऊंगा मेरे बाद एक सहायक आएगा, मैं जाऊंगा मेरे बाद मेरे जैसा अधिकार रखने वाला एक सामर्थ आएगा जिसका नाम पवित्र आत्मा होगा। उस समय चेले समझ नहीं पाए, चेले सोचे होंगे कुछ और चीजें हैं, चेलों ने कभी इसके बारे में उतना नहीं सोचा। लेकिन प्रभु बोलता गया कि मैं जब चला जाऊंगा तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा, पिता तेरे लिए एक सहायक भेजेगा अर्थात पवित्र आत्मा। ऐसा प्रभु कहता था, प्रभु चला गया एक दिन। और जैसा प्रभु एक दिन चला गया, जिस दिन प्रभु गया, ध्यान सुनिए, जिस दिन प्रभु गया, प्रभु के जाने के ठीक 10 दिन बाद, मतलब स्वर्गरोहण में प्रभु जाने के 10 दिन बाद, प्रभु के जी उठने के 50 दिन बाद, समझ में आ रहा आपको, प्रभु के स्वर्ग में जाने के 10 दिन बाद, प्रभु के जी उठने के 50 दिन बाद, सब चेले लोग एक जगह बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। किसके लिए, यीशु के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए नहीं, सेवकाई के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए नहीं, एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और उसका नाम क्या है पता है, हे खुदा तेरी जो वाचा है, तेरा जो नियम है, तेरी जो प्रतिज्ञा है, वो जो पवित्र आत्मा के बारे तुझे बात किया था, वो पवित्र आत्मा मेरे ऊपर क्या कर, उंडेल, बोलकर चिलो ने प्रार्थना किया। और मैं आपको बताऊं 120 लोगों ने एक घर में बैठकर एक ही स्वर के साथ एक ही प्रार्थना किया कि हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर क्या कर, उंडेल दे। क्यों पवित्र आत्मा के लिए चिलो ने 10 दिन तक लगातार प्रार्थना किया, क्यों पवित्र आत्मा के लिए चिलो ने 10 दिन तक प्रार्थना किया, क्योंकि चिलो को मालूम है जहां पवित्र आत्मा होता है वहां परमेश्वर कहता है वो जियाला हो।
बिना पवित्र आत्मा का हम लोगों को उजियाले में लेके नहीं आ सकते। और उसके बाद आपको मालूम है पीड़ितों के काम उसके दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा उतरा और चेले लोग सब पवित्र आत्मा में भर गए। उसके बाद चेलों का सेवा शुरू हुआ और जो शुरू हुआ मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज तक किसी ने खत्म नहीं कर पाया। हालेलुया। क्यों मालूम है? क्योंकि आप शरीर के रूप में यीशु सेवा नहीं करता, आप आवाज के रूप में परमेश्वर सेवा नहीं करता, आप खुद ब खुद परमेश्वर धरती पर है, खुद ब खुद यीशु धरती पर है। पवित्र आत्मा के रूप में वो आज यहां है तो कल कहीं और है, हर जगह वो सर्वव्यापी है और मेरे लिए आपके लिए वो खड़ा होकर सेवा करता है। इसलिए इंसान को मार सकता है, पवित्र आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आपको मार सकता है लेकिन पवित्र आत्मा को कोई मार नहीं सकता। इसका मतलब यह है दुनिया के अंत तक मसीहत को कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। और सुने मेरे बातों को, मैं जो आज बताना चाहता हूं, आपका जीवन बदलने के लिए एक चीजें चाहिए और वो चीज ये है पवित्र आत्मा चाहिए। मैं फिर से एक बात पूछता हूं, हाथ मत उठाइएगा, लेकिन आप में से कितने लोग ऐसा है जो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं? कुछ लोगों का यह मानना है कि हमको पवित्र आत्मा मिला है। हाँ, पवित्र आत्मा है आपके जीवन में, लेकिन कितने लोग केवल इस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, हे पवित्र आत्मा मुझे तेरी अगुवाई में क्या कर, ले चल, मुझे तेरी अगुवाई में ले चल। आप में से कितने यहां पर है जो पवित्र आत्मा के शब्द को सुने हैं कि नहीं ये नहीं करना है वो करना है? क्योंकि पता है, क्योंकि आज यीशु इस दुनिया में नहीं है। अब पता है यीशु ने शरीर क्यों छोड़ा? क्योंकि यीशु अगर शरीर नहीं छोड़ता तो शायद वो इसराइल में होता, खड़गपुर में नहीं होता। क्योंकि शरीर में अगर खड़गपुर में किसी को आना है तो उसे फ्लाइट लेना पड़ता। इसलिए मेरा प्रभु अपना शरीर त्यागा, अपना आत्मा दिया ताकि एट ए टाइम दुनिया के हर कोने पर उपस्थित रह सके। हालेलुया। और उसका आत्मा हर जगह में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जिस युग में जी रहे हैं इसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड, अर्थात अनुग्रह का काल। और अनुग्रह का काल क्यों? क्योंकि अनुग्रह के काल में पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझे और आपको उसके सेवकाई में आगे बढ़ाएगा, अगर विश्वासी उस सामर्थ को लेंगे तो। अगर उस सामर्थ को हम नहीं समझेंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर कभी भी काम नहीं करेगा। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। क्या आप लोगों को पता है परमेश्वर के आत्मा का ताकत क्या है? मैं थोड़ा देखिए, पवित्र आत्मा पुराने नियम में भी था लेकिन नए नियम जैसा नहीं था। मैं बताऊंगा हम लोगों के लिए पवित्र आत्मा का फायदा क्या है, पुराने नियम में पवित्र आत्मा का फायदा क्या है। ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको मालूम है पुराने नियम में किसी के ऊपर पवित्र आत्मा आया? कोई बोल सकता है पुराने नियम में किसी को याद है किसी के ऊपर पवित्र आत्मा आया? कोई है ऐसा पुराने नियम में? वो बच्चा कुछ नहीं समझता लेकिन हाथ उठाता है। दाऊद, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आजकल हम लोग क्या है ना, पवित्र आत्मा के सामर्थ को आज कलीसिया भूल चुका है। आज कलीसिया केवल आता है, गीत गाता है, आराधना करता है, दान देता है, पास्टर से प्रार्थना करवाता है, क्या करता है, चला जाता है। लेकिन आज कलीसिया में जय जीवन खत्म इसलिए हो रहा है, इसलिए फैमिली नष्ट हो रहा है, इसलिए परिवार बर्बाद हो रहा है, इसलिए शैतान हमारे ऊपर चढ़ आ रहा है। क्योंकि कलीसिया को जो परमेश्वर ने दिया था वो है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा को आज लोग बहुत हल्के में क्या कर लिया है, ले लिया है। लोग नहीं समझ पा रहे क्या है पवित्र आत्मा। मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, एक वचन लिखा लेंगे तो आपको समझ में आएगा। न्यायियों का पुस्तक निकालिएगा, न्यायियों का किताब उसका 6 अध्याय उसका 34 वचन निकालिएगा। मैं कुछ पुराने नियम से कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, माफ कीजिएगा, न्यायियों 3 अध्याय का 10 वचन निकालिए। न्यायियों 3 अध्याय का 10 वचन निकालिए और उसमें आपको मिलेगा। कहां पे है न्यायियों, कोई बोल पाएगा? ओहोसू के बाद मिल जाएगा, जल्दी से निकालिए। ओहोसू, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ओहोसू, ओहोसू के बाद आएगा न्यायियों, उसको इंग्लिश में बोलते हैं जजस। पढ़िएगा क्या लिखा है, 3:10। उसमें यहोवा का आत्मा समाया। हेलो, यहां से सुनिए, यहां देखिए सारे लोग, क्या लिखा गया है? उसमें यहोवा का आत्मा समाया। उसमें यहोवा का क्या समाया? आत्मा समाया। आत्मा समाया किस पे यहोवा का आत्मा समाया, उसके लिए बोलने के लिए डिटेल्स नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको नाम बता देना चाहता हूं। ओतनीएल बोल करके व्यक्ति है, क्या नाम है? ओतनीएल। और ओतनीएल कौन था मैं आगे बताऊंगा। उस पर यहोवा का आत्मा समाया
और वह इसराइलियों का न्यायी बन गया और वह इसराइलियों का न्यायी बन गया आगे और लड़ने को निकला। सुनिए, जब तक यहोवा का आत्मा उस पर नहीं आया तब तक वो न्यायी नहीं बना। जब तक यहोवा का आत्मा उस पर नहीं आया तब तक वो लड़ने के लिए नहीं निकला, लेकिन जिस दिन प्रभु का आत्मा उस पर आया वो न्यायी बन गया। जिस दिन प्रभु का आत्मा उस पर आया वो लड़ने के लिए निकल गया। और आगे, और यहोवा ने आराम के और यहोवा ने आराम के राजा हुसैन हाँ रिस्याताइम को हाँ उसके हाथ में कर दिया और वह कुसन हाँ रिस्याताइम पर जयवंत हुआ। जयवंत हुआ, सारे बोले हालेलुया हालेलुया। किसके द्वारा? ओतनियल के द्वारा नहीं। ओतनियल मेरे और आपके समान एक इंसान था। मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा समझाना चाहता हूं। जब प्रभु का दास ओहोसू मर गया तो लोगों को कौन चलाएगा, लोगों को आगे कौन बढ़ाएगा, कोई उसका लीडर नहीं था। उस समय इसराइली लोग अन्य देवी देवताओं के पीछे जाके नष्ट हो गए थे, फलिस्तीनी उसके ऊपर आक्रमण करते थे। उस समय जब यहूदी लोगों ने प्रार्थना किया कि हे खुदा हमारे लिए कोई लीडर को खड़ा कर ताकि हम बचाए जाए उनके हाथों से, तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम है ओतनियल। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे चुना, वो हम में से कोई एक समान था, हमारे जैसे एक लड़का था। और जब परमेश्वर ने उसे चुना, परमेश्वर ने उसके द्वारा इसराइलियों को फलिस्तीनियों से बचाना चाहता था, लेकिन बाइबल कहता है उसको ऐसे नहीं प्रभु कर पाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर के यहां लिखा गया है, उसमें यहोवा का आत्मा समाया। सारे बोलिए, उसमें यहोवा का आत्मा समाया। क्या करता है यहोवा का आत्मा? एक साधारण व्यक्ति को न्यायी बना देता है। क्या करता है यहोवा का आत्मा? एक साधारण व्यक्ति को सेना नायक बना देता है। क्या करता है पवित्र आत्मा? एक साधारण व्यक्ति ओतनियल को, राजा को हराकर उसको अपने वश में करने का सामर्थ परमेश्वर देता है। कौन? सब बोलिए पवित्र आत्मा। लेकिन पुराने नियम का बात कुछ और था। पुराने नियम में पवित्र आत्मा सब समय नहीं रहता था, वो आता था, काम करता था और चला जाता था। वो आएगा तो कोई व्यक्ति भविष्यवाणी करेगा फिर चला जाएगा, वो आएगा थोड़े समय के लिए अपना काम करवाएगा फिर चला जाएगा। कंटिन्यू रहने वाला पवित्र आत्मा पुराने नियम में नहीं था। मैं और आपको बताना चाहता हूं, उसका 6:34 पढ़िए, उसमें क्या लिखा गया है। 6:34 उसी का, 6 न्यायियों का। तब यहोवा का आत्मा, सुनिए, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। गिदोन को तो आप सब जानते होंगे। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका तब अभी एजरी उसके सुनने के लिए इकट्ठे हुए। तब अभी एजरी उसके सुनने के लिए क्या हो गए? इकट्ठे हुए। आपको मालूम है गिदोन कौन था? एक डरपोक व्यक्ति। गिदोन वो व्यक्ति था जो फलिस्तीनियों से अपना क्या बोलते हैं, खेती को या फिर धान को वो बचा कर छुपा कर रखने वाला एक व्यक्ति था गिदोन। वो डरता था क्योंकि उन दिनों में फलिस्तीनी इसराइलियों के ऊपर आकर जो भी खेती बाड़ी वे लोग करते थे सारा सब कुछ लेकर चला जाता था, और ये लोग पूरा खाने के लिए कुछ नहीं, भूखे मरते थे। और उसमें से एक लड़का था जिसका नाम है गिदोन। गिदोन परमेश्वर के भय में तो था, लेकिन गिदोन फिलिस्तीनियों से डरता था और उसके डर से वो अपना सारा धान, सारा गेहूं वो छुपा छुपा कर रखता था कि मेरा गेहूं कहीं फिलिस्तीनी लोग आकर ले ना जाए। लेकिन एक दिन स्वर्गदूत उसके पास आता है और आके बोलता है, अब वो वचन जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, उसमें लिखा गया है, हे सूरवीर सुरमा गिदोन। गिदोन क्या बोलता मालूम है? मेरा जो जाति है, मेरा जाति सब में क्या है? छोटा है। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए साथ नया होगा। गिदोन बोल रहा है, मेरा जाति सब जाति में छोटा है और मैं तो अपने जाति में सबसे छोटा बेटा हूं, मैं क्या करूंगा? तो बाइबल कहता है जब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया, गिदोन नरसिंगा फूंका और जो व्यक्ति उसका सुनना नहीं चाह रहा था वे सब सामने आ गया और आके क्या बोला मालूम है? बोलिए मेरे आका क्या आ गया। हालेलुया। ये है परमेश्वर का आत्मा। हम ये मत सोचे कि मिनिस्ट्री करने के लिए प्रभु की आत्मा की आवश्यकता है। आपके जॉब में भी प्रभु का आत्मा का होना बहुत जरूरी है। आपके काम में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में प्रभु का आत्मा अगर है आप जयवंत जीवन जिएंगे। अगर प्रभु का आत्मा नहीं है हर समय आपके लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। क्यों? क्योंकि नया नियम का कलीसिया खड़ा ही है पवित्र आत्मा के ऊपर। पवित्र आत्मा को अगर निकाल दोगे नया नियम का जो चर्च है वो गिर जाएगा। हालेलुया।
और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्या है। लेकिन गिदोन के ऊपर पवित्र आत्मा आता था, उसके बाद काम करवाता था, फिर चला जाता था। इसलिए यहां पे वो शब्द लिखा गया है कि यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। लेकिन नया नियम के बारे में ऐसा नहीं कहता है कि यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा पौलुस में समाया, पतरस में समाया, ऐसा नहीं लिखा गया है। नया नियम कहता है तेरा घर, तेरा हृदय जो है मेरा मंदिर है, मेरा आत्मा समाने नहीं आया, मेरा आत्मा तेरे अंदर रहने आया है। हालेलुया, सच्चे प्रिविलेज, कितना महान बात है नया नियम के कलीसिया के लिए। पुराने नियम में आता था जाता था, लेकिन नया नियम के विश्वासी को कहता है अब मैं आऊंगा आऊंगा और जाऊंगा नहीं, मैं पूरे तरह से तेरे अंदर वास करूंगा। हालेलुया, लेकिन फिर भी नए नियम के विश्वासी पुराने नियम के विश्वासी के समान तो है नहीं, चूहे जैसा जिंदगी क्या करता है, गुजारता। क्यों? क्योंकि उसको अपना सच्चाई नहीं पता। हालेलुया, मैं एक बात बताना चाहता हूं। यहां पे आंटी ने एक बात कहा, मैं उसका एक जवाब देना चाहता हूं। आंटी ने गवाही में कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं कहीं प्रभु से पीछे ना हो जाऊं। बाइबल एक बात कहता है जो संसार में है उससे बढ़कर जो तेरे अंदर है सामर्थी है। हालेलुया, हमें जो भी रुलाए, हमें जो भी सताए, हमारे सामने लगेगा कि कोई इंसान बड़ा है, उसका तकलीफ बड़ा है, शायद वो मुझे भटका देगा, लेकिन हर समय अपने मन में बोलना मेरे अंदर जो है वो तेरे से भी बढ़कर है। हालेलुया, ये है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा मुझे आपको गिरने और टलने नहीं देगा। और पवित्र आत्मा का सामर्थ को जिस दिन आप समझ जाओगे, आप उस दिन एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं रहोगे, आप अब नॉर्मल व्यक्ति बन जाओगे, आप वो ऐसा काम करोगे मानो खुदा आपके द्वारा खुद काम कर रहा है। हालेलुया, इसलिए याद रखिए, जब भी संसार से हमें दुख पहुंचे, जब भी लगेगी संसार से मैं खत्म हो जाऊंगा, इस परिस्थितियां मुझे खत्म कर देगी, ये चीजें मुझे डुबा देगी, हर समय उस जगह में खड़ा हो जाना और बोलना कि जो मेरे अंदर है वो तुझसे भी बड़ा है। हालेलुया, मेरे अंदर जो सामर्थ है वो संसार के सामर्थ से बढ़कर है। हालेलुया, गिदोन मामूली आदमी था, जैसा पवित्र आत्मा उस पर आया वो न्यायी बन गया, इस पूरे इसराइलियों को फिलिस्तीनियों के हाथों से छुटकारा दिया। हालेलुया, मैं और भी कुछ बताऊं उसके ताकत के बारे में, लिखा लिएगा उसका 15 उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन, जल्दी से 14 अध्याय उसका 6 वचन निकालिए, सुनिए। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। किस पर बल से उतरा? सिम्पसन, सब बोले सिम्पसन। एक सिम्पसन बोलकर बाइबल में है जिसके बारे में मुझे आपको मालूम है, लिखा गया है सिम्पसन बोलकर एक न्यायी था, उस पर यहोवा का आत्मा बल से उतरा। आगे पढ़िए सिस्टर क्या लिखा है, और यद्यपि, सुनिए सुनिए ध्यान से, उसके हाथ में कुछ नहीं था आगे, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ ढाला जैसा कोई बकरी का बच्चा हो। अब जब उस 6 वचन को पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप 5 वचन को पढ़ेंगे, थोड़ा अपना नजर उठा के पढ़िए, नहीं देख लीजिए कि सिम्पसन ने किसको फाड़ा। क्या लिखा है? सिंह नहीं, क्या है? जवान सिंह। सब बोले जवान सिंह। जवान सिंह जब धाड़ता है ना तो इंसान गीला हो जाता है, इंसान भाग जाता है, इंसान उसके सामने टिक नहीं सकता है। लेकिन बाइबल कहता है सिम्पसन अपने मम्मी पापा को लेकर जा रहा था और वहां पर उसका मुलाकात एक जवान सिंह। क्यों ये शब्द आया है जवान सिंह? क्योंकि जवान सिंह बहुत देर में हाँपता है, वो आपको बहुत देर तक दौड़ा सकता है, वो बहुतों को घात कर सकता है, क्योंकि वो जवान है, उसके शरीर में बहुत ताकत है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा गया है? तब यहोवा का आत्मा सिम्पसन पर ऐसा समाया, वो जवान सिंह को ऐसा फाड़ ढाला मानो एक बकरी का बच्चा है। सब बोले हालेलुया। किस पवित्र आत्मा को हम अपने दिल में लेके घूम रहे हैं पता है? वो सिंह को फाड़ने का ताकत रखता है मानो आप एक बकरी के बच्चे को फाड़ रहे हो। हालेलुया, इसलिए मैंने आपसे कहा जो बाहर है उससे कई गुना ज्यादा सामर्थ्य आपके अंदर है। हालेलुया, हर समय ये सोचते रहिएगा कि मेरे अंदर जो है बाहर वालों से ज्यादा सामर्थ्य है, मेरे अंदर जो है मुझे सताने वालों से ज्यादा सामर्थ्य मेरे अंदर जो है। हालेलुया, मुझे जो मानने आ रहा है उससे ज्यादा सामर्थ्य है मेरे अंदर में जो है। और जब आप जानोगे, समझोगे, बारंबार उसको अपने जिंदगी में आप सोचते रहोगे, और मैं आपको सच बताता हूं, तब आप सच रूप में सामर्थ्य बनोगे। लिखा गया है सिम्पसन पे पवित्र आत्मा ऐसा उतरा कि सिम्पसन बकरी का बच्चा जैसा फाड़ता है वैसा सिंह के जवान को क्या कर दिया? फाड़ दिया। अभी खत्म नहीं हुआ, पवित्र आत्मा को और एक काम बताना चाहता हूं। पढ़िएगा उसका 15 अध्याय का 14 और 15 वचन पढ़िएगा।
बहुत अद्भुत बात यहाँ लिखा गया है, पढ़िए न्यायियों 15 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। वह लही तक आ गया, वह लही तक आ गया तो फलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे, फलिस्ती उसको देखकर बोलने लगे, ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। सुने 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 सुने, यहोवा का आत्मा किस पर उतरा? बोले सिमसोन पे उतरा। सिमसोन पे क्यों मालूम है? फलिस्तीनी सिमसोन को देखकर बोलने लगे, हे सिमसोन, सर हंसने लगा होगा, बोलने लगा होगा तू क्या कर सकता है। सिमसोन चुपचाप से था। आपको मालूम है जब आप सिमसोन मूवी देखते हैं, मूवी में बहुत गलत तरीके से दिखाया गया कि सिमसोन बहुत क्या है, ताकतवर है, उसका डोले सोले है, वो बहुत ऊंचा है, बहुत हट्टा खट्टा है। जी नहीं, सिमसोन ऐसा नहीं था। सिमसन आपके समान एक साधारण इंसान था। वो सामर्थ्य इसलिए था कि बहुत बॉडी था इसलिए नहीं, वो सामर्थ्य इसलिए था क्योंकि प्रभु का आत्मा उसके ऊपर आता था। लेकिन बाइबल का वचन से ज्यादा फिल्म में दिखाया गया कि सिमसन क्या है, बहुत ताकतवर। रॉन्ग दिखाया गया है। सिमसन ऐसा बॉडी बिल्डर नहीं था। सिमसन को ताकतवर उसका बॉडी नहीं, सिमसन को ताकतवर उस परमेश्वर का आत्मा बनाता था। और यहां लिखा गया जब सिमसन वहां जा रहा था, फलिस्तीनी में से बहुत सारे लोग, कितने लोग मैं आगे बताऊंगा, आप तंग रह जाओगे, वो लोग बोलने लगे, हे सिमसन क्या तू कुछ कर सकता है? शायद बोला होगा तेरा खुदा कुछ कर सकता है। अब वहां पे लिखा गया है तब यहोवा का आत्मा बल से उतरा किसके ऊपर? सिमसन के ऊपर। देखिए क्या किया उसने आगे। और उसकी बाहों की रस्सियां, उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई। हालेलुया। लिखा गया कि उसके बाहों में कुछ रस्सियां थी, वो रस्सियां मानो क्या हो गया? सन के समान। हम फिल्मों में देखते हैं ना कि हीरो को गुस्सा आता है तो यहाँ का रस्सी क्या होता है? मेरा परमेश्वर रियल फिल्म दिखा रहा है यहाँ पे। जब परमेश्वर का आत्मा सिमसन पे उतरा, उसके बाहों में जो रस्सी था मानो रस्सी जलने जैसा हो गया, लाल सा रंग दिखाई दिया। उसके हाथ में लिखा गया क्या, पढ़िएगा आगे। और उसके हाथों के बंधन, उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। हालेलुया। सब बोलिए गलकर, गलकर टूट गए, टूट गए। आप थोड़ा सोचिए, मन में अपने आप से पूछिए कि यहोवा का आत्मा हमारे जकड़े हुए बंधनों को गला सकता है? यहोवा का आत्मा मेरे बाहों में ताकत दे सकता है? जी हाँ, दे सकता है। अब सिमसोन जो किया वो बहुत बड़ी बात वहां पे हुआ। अब 15 वचन पढ़िए, उसमें क्या लिखा गया है, उसी का 15 वचन, 15 अध्याय का 15 वचन। हाँ सुनिए, तब उसको गधे के जबड़े की, हम लोग बोलते हैं ना गधा कोई काम का नहीं, हम लोग बोलते हैं कोई, आप अगर आपके बच्चे कभी कभी भूल करता है तो अपने बच्चे को हम क्या बोल के बुलाते हैं? गधे का बच्चा। मतलब माँ बोल रही है कि मेरा पति गधा और बच्चा भी कौन है, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी। तो हम लोग सोचते हैं गधा कोई काम का नहीं आता है। वहां लिखा गया है गधा मर गया था और गधे का जबड़ा, जबड़ा मतलब क्या, उसका मुंह का इस जगह का एक हड्डी होगा। आप मुझे थोड़ा सा अपना हाथ उठा के दिखाइएगा, एक एक जबड़े का मतलब एक गधे का जबड़े, जबड़ा कितना बड़ा हो सकता है? अपना हाथ से बताइए ना, साइज कितना बड़ा होगा गधे का? हाँ ब्रदर बता रहे, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा तो होगा है ना। देखिए वो जबड़े से क्या किया आगे। हाँ तब उसको, हाँ एक नई हड्डी मिली, उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। माय गॉड, मैं जब बोल रहा हूं मैं प्रभु की आत्मा को महसूस कर रहा हूं। उसने उस हड्डी को लिया और कितने लोगों को मारा? सब बोले 1,000। बाइबल में बोलता है प्रभु का वचन मालूम है कि तेरे और शत्रु तो आएंगे एक और से, लेकिन भागेंगे 7 और से, क्योंकि जो तेरे अंदर है बाहर वालों से ज्यादा सामर्थ्य है। हालेलुया। जब सिमसोन को 1,000 लोगों ने ललकारा, एक नहीं दो नहीं 3 लोगों ने, क्या आप में से किसी को इतना हिम्मत है कि 1,000 लोगों से आप लड़ पाए? और गधे का जबड़ा में से क्या इतना ताकत है कि उसको 1,000 लोगों को मार पाएगा? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ना तो उस गुलेर में ताकत था गुलियात को मारने का, ना तो उस जबड़े में ताकत है फलिस्तीनियों को मारने का, वो तो उस सामर्थ में वो है उसके आत्मा में कि 1,000 लोगों को मार के गिरा दिया। हालेलुया। कितने लोगों को मारा? बाइबल में लिखा, आप उसको घर जाके पढ़िएगा, लिखा गया लाशों का ढेर बना दिया सिमसोन। एक सिमसोन कितने को मारा? 1,000 से। और किससे मारा? इतना बड़ा एक हड्डी से। मैं सोचता हूँ वो फलिस्तीनियों के पास बुद्धि नहीं था क्या? गोल करके सिमसन के ऊपर कूद जाता, सिमसन अंदर आ जाता तो सब अगर लात घुसा मारता तो सिमसन क्या होता? लेकिन सिमसन के ऊपर जो उतरा था
वो बाकियों के ऊपर नहीं उतरा था। हालेलुया। क्या आपको घमंड है? यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर है। क्या आपको गर्व है कि मेरे अंदर जो है वो बाहर वालों से बहुत ज्यादा सामर्थ्य है? जब छोटा छोटा मुसीबत आता है हम रोना शुरू कर देते हैं, हमको लगता है हम नष्ट हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे, शायद ये चीज मुझे बहता हुआ ले चला जाएगा, ये मुझे डुबा देगा, ये मुझे नाश कर देगा। उसी समय खड़ा होकर बड़े आवाज के साथ मैं बोल रहा हूँ, सचमुच का बड़े आवाज के साथ ये बोलना, ये सुन ले, तेरे अंदर जो है उससे कई गुना ज्यादा सामर्थ्य मेरे अंदर मेरा खुदा वास करता है। हालेलुया। वो चाहे आपके हाथ में जबड़ा हो, चाहे आपके हाथ में गुलेर हो, चाहे आपके हाथ में कुछ भी हो, वो मायने नहीं रखता। हजार क्या कईयों को आप मार के गिरा सकते हैं। हालेलुया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पुराने नियम में पवित्र आत्मा का सामर्थ अगर ऐसा है तो नए नियम में इसका सामर्थ कैसा है? लेकिन नए नियम के कलीसिया के लोग उसका सामर्थ नहीं जान रहे हैं। केवल जानते कि हम मसीह है, केवल जानते चर्च जाना है, केवल जानते आराधना करना है, केवल जानते दसवांश देना है, केवल जानते प्रभु की उपस्थिति में जाके बैठना है, लेकिन आपके अंदर जो सामर्थ छुपा हुआ है आप नहीं जानते। मालूम है पौलुस कहता है, तेरे मिट्टी रूपी जीवन में एक ऐसा असीम धन परमेश्वर ने तुझे दे के रखा है जो हमें मालूम नहीं। मैं जो कहता हूं ना, जो बाहर वाला है उससे कई ज्यादा गुना सामर्थ हमारे अंदर है। ये पुराने नियम में लिखा हुआ नहीं है। कहां लिखा हुआ है? नए नियम में लिखा हुआ है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका सुनावस्था, आपका बेडोल अवस्था, वहां उजियाला आ सकता है अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा क्या होगा, मंडलाएगा। हालेलुया। इसलिए आपसे अगर नहीं हो पा रहा है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे पवित्र आत्मा, परमेश्वर अपने आत्मा को मेरे ऊपर भेजिए, इस जगह पर भेजिए कि मेरे सूनापन को हटाकर वो जियाला ले आए। मेरा परमेश्वर क्या करेगा? बदलेगा। हालेलुया। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा का सामर्थ क्या है। और इसीलिए सुनिए ध्यान से, इसीलिए नया नियम का कलीसिया पवित्र आत्मा के ऊपर क्या है? निर्भर है। पवित्र आत्मा नहीं है इसलिए हम पेंटिकॉस्टल लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं, इसलिए हम पेंटिकॉस्टल लोग पवित्र आत्मा के बारे ज्यादा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोलने के लिए मजबूर इसलिए है क्योंकि बाइबल हमें बोलने के लिए क्या करता है? मजबूर करता है। और इसीलिए चेले लोगों ने पवित्र आत्मा के लिए क्या किया? प्रार्थना किया। चलिए कुछ वचन में हम जाए तब आपको मैं समझा पाऊंगा। जल्दी से निकालिए प्रेरितों के काम उसका 1:4, 5, और 8 वचन निकाल के पढ़े। पीड़ितों के काम उसका 4:1-5 और 8 वचन। हाँ, फिर से पढ़िए। यीशु मसीह अपने चेलों से मिलकर, यीशु ने अपने चेलों से आज्ञा दी, सुनो मेरे बच्चों, यरूशलेम को कभी नहीं छोड़ना, पिता की उस प्रतिज्ञा की। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए बड़े ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। यहां यीशु मसीह मर के 40 दिन हो गया और अब यीशु मसीह ही चेलों को बुलाया था कि तुम गलील के एक पहाड़ में आ जाना, मैं तुम लोगों से मिलूंगा, क्योंकि यहां से यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाला है। और जब प्रभु मिला, प्रभु ने उसे गले नहीं लगाया, प्रभु उन लोगों के लिए रोया नहीं, प्रभु उन लोगों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया, तो प्रभु ने उसको आज्ञा दिया, सुनो पतरस, यूहन्ना, याकूब, मेरे चेले लोग, सुनो। 11 चेलों को प्रभु ने कहा, यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम में बैठकर प्रार्थना करना। किसके लिए? पिता की उस प्रतिज्ञा तेरे ऊपर क्या हो जाए, आए। कौन सा प्रतिज्ञा? बोली पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। उसके बाद चेलों ने बोलने लगा कि प्रभु कब होगा, क्या होगा, मेरा प्रभु को किसी और बातों में ध्यान ही नहीं था। फिर प्रभु ने 8वां वचन क्या लिखा गया है, सुने सुने सब ध्यान से, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। सब अपना हाथ उठा के बोले हालेलुया। सब अपने बारे में बोलिए कि जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आएगा, दिल से बोलिए, जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आएगा मैं सामर्थ पाऊंगा। अरे सामर्थ से क्या करेंगे बताए आप? आप बोलिए ना कि बकरी के बच्चों को जैसे हम फाड़ते हैं, शेर के बच्चों को भी या शेर को भी हम क्या कर सकते हैं? फाड़ सकते हैं। सकते हैं या नहीं सकते हैं? हालेलुया। या प्रभु ने एक बात कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। एक शब्द लिखा है ना, सामर्थ पाओगे, इसका बहुत भाषा में इसको बोला जाता है डुनामिस। मेरे पीछे बोलिए डुनामिस। मालूम है डुनामिस का क्या अर्थ है?
डुनामिस का अर्थ है एक बड़े से पहाड़ को जब गिराना होता है तो उसके नीचे एक छेद किया जाता है और उस छेद में एक बम लगाया जाता है जिसका नाम है डुनामिस। और जब बम को जलाया जाता है, जब बम फटता है, बड़ा सा बड़ा पहाड़ को भी क्या करता है, क्रैक करके नीचे गिराता है, उसको बोलता है डुनामिस। और प्रभु ने कहा जिस दिन पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा तू भी क्या बन जाएगा, तू भी क्या बन जाएगा, बोलिए ना, जिस दिन पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या बन जाओगे, बोले डुनामिस बन जाएंगे। हालेलुया। डुनामिस का मतलब आपके सामने पहाड़ टिकेगा या नहीं टिकेगा, आप पहाड़ों को चकनाचूर कर दोगे क्योंकि डुनामिस का ताकत यह है। और चेलों को कहा गया जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, क्यों पता है छोटी छोटी असुविधा में, छोटे छोटे तकलीफों में हम हताश और निराश हो जाते हैं। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ कम है, पवित्र आत्मा का अभिषेक कम है। चेलों को आपने पहले रोते हुए देखे होंगे कि प्रभु हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, ये बता दो, हम ये करेंगे। प्रभु ने चेलों को बहुत डांटा, बहुत कुछ समझाया, लेकिन जिस दिन प्रभु स्वर्ग चला गया, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद अब चेलों को कभी रोते हुए नहीं देखोगे, उसके बाद चेलों के बारे में कभी शिकायत नहीं मिलेगा आपको। क्यों मालूम है, चेले जान गए जो बाहर है उससे कहीं ज़्यादा सामर्थ्य मेरे अंदर है। हालेलुया। आप लोगों के जीवन में जो छोटा छोटा मुसीबत आता है हम लोग सीधा बोलते हैं ना कि क्या हो गया, कैसे हो गया, किस रीति से हुआ, क्यों हुआ, आंसुओं के साथ हम चिंता करते हैं, बैठ के चिंता करते हैं। चिंता मत करे। जो व्यक्ति चिंता करता है वो व्यक्ति के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा, प्रभु का पवित्र आत्मा का सामर्थ कम है। कभी भी आप चेलों के लाइफ में नहीं देखोगे चिंता करते हुए, कभी भी चेले लोग चिंता नहीं किए और प्रभु का सेवा करते गए करते गए करते गए। मेरा एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब चेले लोग प्रभु का सेवा किया, एक बार प्रभु का दास लोगों ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु हम तो घर बार सब छोड़ के आए हैं, हम आपका सेवा करते हैं, क्या मिलेगा। तो प्रभु ने उसको ऐसा बोला, इस पृथ्वी में 100% और आसमान में 100%। आपको मालूम होना चाहिए प्रभु के चेले लोग शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे, उनके बीबियां थी, अरे सब कुछ छोड़कर वे प्रभु 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 कर रहे थे। तो जो लोग बीबी बच्चा सबको छोड़ के प्रभु प्रभु कर रहा होगा, उसकी बीबी बच्चे उसको क्या बोल रहे होंगे, अरे प्रभु प्रभु करोगे या खाना भी खिलाओगे। लेकिन चेलों के बारे में ऐसा लिखा नहीं गया। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, चेलों ने पैसों के बारे कभी नहीं सोचा, बिना टेंशन के साथ उन्होंने सेवा किया। और प्रभु जाने के बाद जब सेवा किया, एक दिन ऐसा हो गया, मैं ऐसा पिक्चर बना के बोल रहा हूँ कि पतरस याकूब सब बाहर बैठा हुआ था, चेयर में बैठकर बात कर रहा है कि मेरा परमेश्वर यीशु जब जिंदा था लाजर को कैसा जिलाया था, वो तो हाँ 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 ऐसा बोल ही रहा था। वहाँ से एक आदमी आया, बड़ा सा बैग पकड़ा हुआ था, और बड़ा सा बैग उसके पाँव के पास लेके आके रख दिया। पतरस ने बोला, ब्रदर क्या है। उस आदमी ने बोला, मेरा 5 करोड़ का बंगला था, बेच कर पैसा आपको दिए। तो वहाँ पतरस क्या हो गया, शॉक्ड हो गया। फिर उसने बोला, जय मसीह की बात में मिलेंगे। जब वो जा ही रहा था, दूसरा और एक व्यक्ति 2 बैग लेके आ रहा है, और वो भी उसके पाँव पे लेकर रख दिया। पतरस ने कहा, ब्रदर ये क्या है, मेरा 50 करोड़ का बिजनेस था, उसको छोड़ दिया, मैं प्रभु के पीछे आ गया, सारा धन दौलत मैं आपके पाँव पे देता हूँ। पतरस चौंक गया। आप अगर पीड़ितों के काम पढ़ के देखोगे ना, ऐसा कई बैग पतरस के पाँव पे लाकर चले लोगों ने दे दिया। मैं उस बात को जब सुनता हूँ, सोचता हूँ पैसा कहाँ गिरा पतरस का, पैसा कहाँ लाकर दिया पतरस को, हाथ में नहीं, कहाँ पे। आप सही से पढ़ोगे पीड़ितों के काम में लिखा गया है, लोगों ने अपना घर बार बेच बेच कर, धन दौलत बेच बेच कर प्रभु के दास के हाथ में नहीं दिया, कहाँ दिया, लिखा गया उसके चरणों में रखा। पैसे का कीमत कहाँ है, हे प्रभु के लोगों, प्रभु के आत्मा और दान वरदान पाए हुए लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ, अगर हम प्रभु के आत्मा में चलते हैं, पैसों का कीमत हमारे कहाँ है, बोले पाँव पे। आप बोलोगे कुछ कुछ लोग पाँव पे पैसा लग जाने से ऐसा करता है और पाँव पैसे को कुछ बोलता है, लेकिन यहाँ पे पतरस के पाँव पे ला के लोग करोड़ों लोग देने लगा। तब पतरस उन्होंने जाने के बाद पतरस और यूहन्ना बोल रहा होगा, अरे याकूब याद कर, हम लोगों ने प्रभु के पीछे जब आए थे एक बार प्रभु से पूछा था कि प्रभु तेरे पीछे चलेंगे तो क्या मिलेगा, प्रभु ने बोला था स्वर्ग में 100% और आसमान में, मतलब पृथ्वी पर 100% आसमान में 100%, आज मिल गया। हालेलुया। मालूम है बाइबल ऐसा लिखा गया, उनमें से कोई दरिद्र
नहीं था। हजारों लोगों को हर दिन पतरस खिलाता था, हजारों लोगों से हर दिन पतरस मिलता था, कोई पैसे की कमी घटी उसके सेवकाई में नहीं आया। क्यों मालूम है? मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जो बाहर है उसे कई गुना सामर्थ्य जो हमारे अंदर है। हालेलुया। और प्रभु ने पतरस को वहां बदल दिया। आप मेरे बातों को ध्यान से सुनेगा। जब पतरस और सारे 120 लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, क्या प्रार्थना कर रहे थे? प्रभु भविष्यवाणी का दान दे दे, नहीं प्रभु ये दे दे, नहीं। उन लोगों ने एक ही चीज का प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तूने जो कहा है वो पवित्र आत्मा क्या है? वो पवित्र आत्मा के लिए हम बैठ के बाट जो रहे हैं। 120 लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, अचानक पेंटिकॉस्ट के दिन में पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। जैसे उतरा कैसे पता चला? बाइबल कहता कि वे मुंह में अन्य भाषा में क्या करने लगे? बोलने लगे। मैं इतना सोचने लगा क्यों पवित्र आत्मा आया और पहला बोलने का दिया, क्यों मालूम है? क्योंकि नया नियम का सेवकाई बोलो और ऐसा हो जाएगा, यह है। और उन्होंने बोलने लगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनेगा। थोड़े दिन पहले, 50 दिन पहले, यही पतरस जब यीशु को पकड़ कर ले जा रहा था, किसी ने बोला, पतरस वहां आग ताप रहा था, किसी ने बोला, अरे तू भी तो यीशु का चेला जैसा दिख रहा है। पतरस बोल रहा है, शायद रुमाल वगैरह होगा उसके हाथ में, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं तो नहीं था। और वहां से वो मुंह छुपा के चला जाता है। फिर वहां सैनिक लोग रहता है, सैनिक लोग भी वहां रहने, आग तापने समय पतरस भी आग तापते रहता क्योंकि अंदर यीशु को ले गया है। ऐसे वो देख रहा था कि मेरे यीशु के साथ क्या कर रहा है। सैनिक लोगों ने बोला, अरे तू भी तो यीशु के साथ था। पतरस बोलता, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं था। ऐसे और एक बार हुआ, जैसा हुआ वहां पे लिखा गया है, मुर्गा ने क्या मारा? बांग दिया। पतरस को याद आया कि यीशु ने कहा, हे पतरस, आज ही मुर्गा के बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार क्या करेगा? इनकार करेगा। मालूम है पतरस दौड़ा वहां से और दौड़ा और बहुत रोया कि हे प्रभु, तू तो अनंत मतलब मन को जानने वाला परमेश्वर है। और इतना डरपोक पतरस जो डर के मारे नहीं आता था। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल कहता है जिस दिन पवित्र आत्मा आएगा तुम पर, तुम क्या पाओगे? आपको पता है जब पवित्र आत्मा आता है, सबसे पहला खड़ा होकर सुसमाचार प्रचार चिल्ला कर करने वाला चेला का नाम क्या था? बोलिए पतरस। कहां से आया इतना सामर्थ्य? वही यहूदियों के सामने बाहर आ गया। अगर आप उसे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। निकालिए उसका 2 अध्याय, जल्दी से 2 अध्याय में आप आ जाइए। पीड़ितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका पीड़ितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका हाँ 14 वचन से पढ़िए क्या लिखा गया है। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। सुनिए, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। हे पतरस, तू कभी भी प्रभु के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं था। तू वही व्यक्ति है जो चलना तो चाहता था पानी में लेकिन डूब गया। तू वही व्यक्ति है जिसने यीशु ने तुझको शैतान बोलकर बोला। तू वही व्यक्ति है जिसने कहा कि हम इसको कहां से खिलाए। तू वो व्यक्ति है जो तेरा विश्वास कभी बढ़ता था कभी गिरता था। और ये व्यक्ति लिखा गया है जिस दिन पवित्र आत्मा आया, पतरस खड़ा हो गया सबके साथ और उठकर क्या करने लगा? और ऊंचे शब्द से कहने लगा। सब बोलिए ऊंचे शब्द से। सब बोलिए ऊंचे शब्द से। ऊंचे शब्द से। इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि आप लोग जोर से आराधना क्यों करते हैं। भैया, हमारे अंदर जो है वो तुम्हारे से बहुत ज्यादा क्या है? सामर्थ्य है। इसलिए हम धीरे धीरे आराधना नहीं कर सकते। हम ऊंचे आवाजों के साथ अपने जीवित परमेश्वर के क्या करते हैं? आराधना करते हैं। मालूम है पतरस उन लोगों के सामने खड़े होकर ऊंचे सबसे पुकार पुकार कर क्या करने लगा? प्रचार करने लगा। मैं और आगे नहीं पढ़ाना चाहता। अब मेरे और देखिए, ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर का आत्मा पतरस 120 लोगों के ऊपर आया, पतरस खड़ा हुआ और बोला, तुम लोगों ने मेरे यीशु को सूली पर टांग दिया और तू सुन लो, यीशु परमेश्वर का बेटा है। ऐसे बोल के पतरस ने प्रचार किया। जब पतरस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रचार किया, इससे पहले भी पतरस ने बहुत बार प्रचार किया, इससे पहले भी पतरस ने बहुत सारे अद्भुत काम किए, लेकिन आज पतरस कुछ और है। क्यों? ये पतरस के ऊपर नहीं, पतरस के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आ गया। पतरस जब प्रचार करने लगा, ऐसा चार किया, लोग पतरस के पास उमड़ आए। कितने लोग आए मालूम है? 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 3,000 लोग पतरस के पास आके बोला कि उद्धार पाने के लिए क्या करें। तब पतरस ने कहा, उद्धार पाने के लिए अपने अपने पापों का क्षमा मांगने के लिए पिता
के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उद्धार आएगा। मैं बताना चाहता हूँ, वो 3000 लोगों के लोक में जो सुनसानपन था, वो 3000 लोगों के मन में जो हताशपन था, वो 3000 लोगों के मन में जो कोई निराशा से भरा हुआ था, वहां पे जब पतरस को पवित्र आत्मा मिला, पतरस ने उनको सुसमाचार सुनाया, मानो ऐसा हो गया। पतरस ने 3000 लोगों को देखकर कहा, उजियाला हो, तो वहां 3000 लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके विश्वास में आया। हालेलुया। कितने लोग? 3000। एक प्रचार। कितने लोग? 3000। आपको मालूम है 3000 लोगों को बपतिस्मा में, बपतिस्मा देने के बाद पतरस और यूहन्ना कहां जाने लगा? लिखा गया है वो मंदिर जाने लगा। जब मंदिर जा रहा था, वहां पे मंदिर में एक लंगड़ा व्यक्ति को लोग ले आया, और लंगड़ा व्यक्ति को जब ले आया, पतरस उस लंगड़ा व्यक्ति को देखने लगा, और लंगड़ा व्यक्ति पतरस को देखने लगा, तो पतरस ने उसको देखकर क्या कहा मालूम है? देख भाई, सोना चांदी मेरे पास नहीं है। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे लगता है हमारे कलीसिया के विश्वासियों के पास सोना चांदी ज़्यादा तो है नहीं। किसके पास सोना चांदी ज़्यादा नहीं है? हाथ उठाइए। सच में बैंक बैलेंस किसके पास ज़्यादा नहीं है? वो लोग हाथ उठाएं, जिसके पास है वो हाथ मत उठाओ, मुझे देना चाहे तो दे सकते हैं। किसके पास सोना चांदी नहीं है? वो लोग हाथ उठाओ। प्रेज द लॉर्ड। किसके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। मे बी हाथ उठाओ आपके साथ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, जिसके पास सोना चांदी नहीं है, पतरस बोलता है मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मेरे पास जब नहीं था तो मैंने लंगड़े से क्या कहा मालूम है? सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है सोना चांदी से बढ़कर है, और वो कौन है? मेरा यीशु नासरी। हालेलुया। हम सोचते ही नहीं है, हम तो सोचते हैं बैंक में अगर बहुत पैसा है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके बैंक में पैसा रहे ना रहे, आपके दिल में आपका यीशु होना चाहिए। अगर आपके दिल में यीशु है, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आप हो। क्यों मालूम है? भले आप सोना का पहनो या ना पहनो, भले आप नेकलेस आपका हस्बैंड खरीद के दे या ना दे, भले आपके पास सोने का अंगूठी हो या ना हो, आप विश्वास करो, एक दिन आपके खुले पाँव में आप सोने की सड़क पर स्वर्ग में चलोगे। हालेलुया। तो आप मुझे बताइए, अमीर कौन जो कान में पहनता है? अमीर कौन जो सोने में चलता है? कौन अमीर जो कान में पहनता या जो सोने में चलेगा? अंकल कौन अमीर है? जो सड़क पे चलेगा। हालेलुया। एक यूट्यूब में एक वीडियो मैंने देखा, बोल रहा है कि अमीर कौन, ऐसा बोल के वीडियो दिखाया गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत हंसी भी आया। उसमें एक व्यक्ति है जो जेट प्लेन से उतर रहा है, कोट पैंट पहना हुआ है, हाथ जेब में है, एक हाथ में सिगरेट पहन के धीरे धीरे उतर रहा है, कैमरा भी धीरे धीरे कर रहा है, और बोल रहा है कि ये बहुत अरबोपति है। उसके बाद कैमरा दूसरे व्यक्ति की ओर लेके गया, जो हाफ पैंट पहनकर संडो बनियन पहन के साइकिल में आ रहा है, और साइकिल में आकर एक जगह साइकिल खड़ा किया, उसका साइकिल जो है ना खड़ा नहीं हो पा रहा, अनबैलेंस हो रहा है। तो उसने पत्थर खोजा कि मेरे पत्थर, कोई पत्थर को साइकिल के एक तरफ में कर दूं तो मेरा साइकिल क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। पत्थर नहीं मिला, उसने देखा क्या करे, सामने सोने का दुकान था, सोने की दुकान में गया, बोला मुझे सोने का पत्थर चाहिए, पैसा दिया, वो पत्थर को लिया और अपने साइकिल में लगाया। तो बोलता अमीर कौन। हालेलुया। अमीर कौन? हम लोग है ना। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आपका सोना ऊना उठा के फेंक दे, सोना है आपके लिए काम में आएगा, लेकिन याद रखिए हम वो अमीर है जो सोना को पहनने से ज़्यादा सोना में चलने का औकात रखते हैं। हालेलुया। इसलिए पतरस ने भी ये एक घमंड के साथ बोला, देख भाई सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है, क्योंकि अभी अभी मुझे कुछ मिला है, अभी अभी मुझे कुछ पाया है, मैंने अभी अभी 3000 लोगों को बपतिस्मा देके आया हूं, मेरे अंदर कुछ तो हो रहा है, और ऐसा हो रहा है मानो तुझे भी उठाकर खड़ा कर देगा। तो पतरस ने क्या कहा मालूम है? सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं देता हूं, यीशु मसीह नाम से उठ और चल। फिर उठने लगा, कूदने लगा, गाने लगा, और उसके साथ मंदिर में चला गया। हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूं, आपके अंदर कौन है? सब बड़े गंभीर आवाज में बोले, मेरे अंदर वो है जो बाहर वालों से कई गुना ज्यादा सामर्थ्य है। हालेलुया। जितना आप बोलोगे उतना आपका जय जीवन रहेगा, और शैतान उतना आपके सामने क्या होगा, झुकेगा। शैतान बोलेगा ये अपना सामर्थ्य जान गया, शैतान बोलेगा ये अपना ताकत जान गया, शैतान बोलेगा ये समझ गया कि इसके अंदर क्या है, आप इसके घर में मेरा दाल नहीं गलने का, आप इसके बच्चों को मैं बिगाड़ नहीं सकता, आप इसके पति को मैं बिगाड़ नहीं पाऊंगा, आप इसके पत्नी को मैं फंसा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये समझ गया कि इसके हृदय में कौन वास करता है। मालूम है पतरस अद्भुत काम किया,
और थोड़ा मैं आगे बढ़ के बताऊं, मुझे लगता है 5 अध्याय के 32-33 पद में है, पढ़िएगा नहीं, लिखा गया है पत्रस इतना तक बढ़ गया, इतना समय नहीं है उसके पास कि किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करे। बाइबल बताती है कि जहाँ से पत्रस जाता था उसके बगल में लोग रोगियों को बीमारियों को क्या करता था। मैंने सोचा कि प्रभु यीशु आपने भी ऐसा सेवा नहीं किया होगा जो पत्रस सेवा कर रहा है, मालूम है, क्योंकि जब पत्रस जाता था उसके पास समय नहीं है प्रार्थना करने का, इतना बिजी, इतना समय, क्योंकि यहाँ वहाँ जाना है, तो पत्रस का छाया अगर पड़ जाता था ना कोई रोगी के ऊपर में, वो रोगी तुरंत चंगा पाता था। क्यों? क्योंकि पत्रस जानता था जो मेरे अंदर है वो बाहर वालों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। क्या कर सकता है पवित्र आत्मा आपके जीवन को? मेरा सवाल आपसे है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या कर सकता है? आपको मालूम है नए नियम का पवित्र आत्मा क्या है? यहाँ पत्रस एक बात कहता है, मैं वो बोल के समाप्त करना चाहता हूँ। पढ़िएगा जो 14 वचन से पढ़ना आप आरंभ किए ना, पत्रस क्या कह रहा है, 16 वचन से पढ़िए, हाँ 2:16। परंतु या वह बात है, सुनिए, क्योंकि कुछ लोगों ने ना पत्रस को बोलने लगा, रहे तुम लोग पागल हो गए हो, तुम लोग चिल्ला रहे हो, ताली बजा रहे हो, क्या क्या भाषा बोल रहे हो। तो पत्रस ने बोला, सुनो 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 मेरे भाई, हम लोग कोई ऐसे वैसी भाषा नहीं बोल रहे हैं, ना ही हम लोगों ने मदिरा पिया है, ना ही हम लोगों ने शराब पिया है, ये तो वो बात है। कौन सी बात है जो अभी अंकल पढ़ रहे हैं? पढ़िए अंकल क्या लिखा है। योएल भविष्यवक्ता के द्वारा, हाँ, ये योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है, सुनिए, नया नियम का आत्मा कैसे है? अगर आपको विश्वास है प्रभु आपको देगा। प्रभु कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आप कौन से दिनों में? अंत के दिनों में, दुनिया खत्म होने के कगार पे है, मां अपने अपने बेटी अपने मां को नहीं पहचान रही है, बेटा अपने बाप को नहीं पहचान रहा है, 1-1 रुपया के लिए, 2-2 रुपया के लिए मर्डर हो रहा है, लोग दूसरे के ऊपर में चढ़कर कामयाबी पाने के लिए लोग चाह रहे हैं, प्रेम खत्म, सब कुछ समाप्त हो गया। बाइबल कहता है अंत के दिनों में लोग केवल अपने आप से क्या करेंगे, प्रेम करेंगे, अपने आप से प्रेम मतलब केवल अपने आप से, बीवी से नहीं, बच्चे से नहीं, अपने मम्मी अपने पापा से नहीं, केवल अपने आप से। तो धन्यवाद हो प्रभु के लोगों का, ये प्रभु के लोग है इसलिए वो अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, परिवार को जोड़ के रखें। बाइबल कहता है अंत के दिनों में प्यार ठंडा हो जाएगा और ऐसा होगा, इसलिए लिखा क्या गया है, अंत के दिनों में, मतलब अभी वो समय है, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, सब मनुष्य पर समाऊंगा नहीं बल्कि सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। उंडेलने का क्या मतलब है मालूम है? प्रभु बोलता है मैं पहले थोड़ा 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 देता था, पुराने समय पर मैंने गोलियात को मारने के लिए दाऊद को थोड़ा दिया, मैंने सिमसोन को थोड़ा दिया, मैंने इप्तिया को थोड़ा दिया, मैंने गिदोन को थोड़ा दिया, लेकिन आखिरी दिनों में थोड़ा थोड़ा नहीं, कैसे, मेरे पास जो पवित्र आत्मा का जो कटोरा है मैं उसको लूंगा और नए नियम के लोगों के ऊपर क्या करूंगा, उंडेलूंगा, उंडेल दूंगा। हालेलुया। अभी आप बताइएगा जिसके ऊपर समाया वो ज्यादा सामर्थ्य है या जिसके ऊपर उंडेला गया वो ज्यादा सामर्थ्य है। लेकिन इसके बावजूद भी कलीसिया आज मरा हुआ है, क्यों? क्योंकि कलीसिया जानता नहीं कि उसके अंदर क्या है। देखिए क्या होगा आगे, सुनिए, कलीसिया को प्रभु ऐसा देखना चाहता है आगे, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां, सुनिए, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, क्या करेगी, भविष्यवाणी। मैं आप विश्वासियों से पूछना चाहता हूं कि आपके बेटे आपके बेटियां भविष्यवाणी करती है या व्हाट्सएप में है या चैट में है या फेसबुक में है या कहीं और है, कुछ और नशे में डूबे हुए हैं। आज कलीसिया को जो देखना चाह रहा था मेरा परमेश्वर, वो आज कलीसिया बनकर नहीं है। प्रभु चाह रहा था अंत के दिनों में मैं जब मेरी सामर्थ को उंडेलूं तो लोग कैसा हो, कलीसिया में तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करे, भविष्यवाणी करे। बेटे बेटियों का नजर अगर थोड़ा व्हाट्सएप से हटेगा, फेसबुक से हटेगा, दुनिया के तौर तरीकों से हटेगा, दुनिया के रंगरलियों से हटेगा, दुनिया के एंजॉयमेंट से हटेगा, दुनिया के दोस्तों से हटेगा, तब ना आपका खुदा आपको भविष्यवाणी का आत्मा देगा। लेकिन आज कलीसिया यहाँ नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज कलीसिया के ऊपर शैतान चढ़कर नाच रहा है, क्योंकि शैतान को मालूम है कलीसिया केवल प्रभु की आराधना करता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का शक्ति नहीं मालूम। क्या लिखा है, तेरे बेटे बेटियां क्या करेगी और भविष्यवाणी करेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं हमारे कलीसिया का जितने माँ बाप है, दुआ करो अपने बच्चों के लिए, प्रभु ये वचन मेरे बच्चों के लिए पूरी हो जाए।
मैं विरोध नहीं हूँ व्हाट्सअप का, मैं विरोध नहीं हूँ यूट्यूब का, मैं विरोध में नहीं हूँ फेसबुक का, लेकिन मैं मेरे कलीसिया के जवानों को ऐसा देखना चाहता हूँ कि हमारे कलीसिया के जवान आपके बेटे बेटियाँ क्या करे, भविष्यवाणी करे। ऐसा वैसा भविष्यवाणी नहीं, जो बोलेगा वो हो जाना चाहिए। हालेलुया, प्रभु के सामर्थ में खड़ा होकर जब कलीसिया भविष्यवाणी करेगी ना, तो इस कलीसिया में अच्छे अच्छे लोगों को आने के लिए पांव हिलेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि बोलेगा लोग इस कलीसिया में जाने से यहाँ कलीसिया के बहन लोग बच्चे लोग हमारा पोल खोल देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस कलीसिया में लोग भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया आग के समान तेजी से बढ़ता है। लेकिन क्या लिखा है? तेरे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमारे बच्चे भविष्यवाणियाँ कर रही है या अपने करियर को लेके बिजी है, अपने जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, ये लेके वो लेके, दोस्तों को लेकर, ये सब कुछ करो, लेकिन साथ ही साथ प्रभु से बोलो, प्रभु मेरे लिए तेरे सेवकाई में क्या सेवा है। मैं जॉब करूँगा लेकिन जब कलीसिया में आऊँगा एक भविष्यवक्तनी के रूप में, मैं जॉब करूंगा लेकिन जब कलीसिया में आऊंगा तो मेरे मुंह को ऐसा इस्तेमाल करना कि मेरा कलीसिया के लोग उन्नति में आगे बढ़ जाए। मैं बाहर सेवा में बाहर में क्या बोलते हैं बिजनेस करूंगा लेकिन जब मैं कलीसिया के अंदर घुसूं तो मुझे ऐसे बनाना कि मैं जब किसी के लिए दुआ करूं तो वो व्यक्ति की जिंदगी मेरा दुआ असर करे। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के जितने नौजवान भाई बहन है, बोलना चाहता हूँ। क्यों आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे पास्टर जी, ये सेवा मैं नहीं दे रहा हूँ। प्रभु कहता है अंत के दिनों में तेरे बेटे बेटियाँ क्या करेगी, भविष्यवाणी करेगी। मतलब प्रभु का इच्छा है कि कलीसिया के जवान बेटे बेटियां क्या करें, भविष्यवाणी करें। आगे क्या लिखा है? और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे जवान क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। जी हाँ, देख तो रहे हैं लेकिन साथ प्रभु का नहीं, अपने करियर का, अपने विवाह का, अच्छे जॉब का, अच्छे बैंक बैलेंस का। देखिए मेरे की बात को समझिएगा, आपका पैसे वाला होना, आपका जॉब में तरक्की पाना, क्या आपका खुदा आपसे नाराज हो जाएगा? मेरे बातों को समझ रहे हैं? कुछ मसीह लोग बोलता है पैसा 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 मत करो, पैसा अच्छा चीज नहीं। मैं बोलता पैसा बहुत अच्छा चीज है, लेकिन समझने वाली बात यह है, अगर आप बढ़ जाओगे, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके बेटे बेटियां अगर बढ़कर महीने का 5 लाख कमाएगा, उस माँ बाप से पूछो उसके मन का खुशी क्या है कि मेरा बेटी मेरा बेटा आज 5 लाख कमाता है। तो उस माँ बाप को बनाने वाले खुदा से पूछो कि प्रभु आपके घर की बेटियां बेटे 10-10 लाख रुपए महीने में कमाता है, प्रभु कहेगा मैं बहुत क्या हूं, खुश हूं। आप पैसे वाले बनोगे, मेरा प्रभु आपसे नाराज नहीं होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो आपसे बहुत और बहुत खुश होगा क्योंकि प्रभु आपको वही करना चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ आपका कलीसिया में कुछ रोल है, आपका दूसरे के लिए कुछ रोल है। मालूम है आप जहां काम करते हैं, मैं सीधा सीधी बोलूं, आप वहां के लिए सेवक हैं। मैं वहां नहीं जा सकता, मैं आपके बॉस से, मैं आपके कलीग से, मैं आपके बिजनेस सेक्टर में जाके उन लोगों के लिए उन लोग से बात नहीं कर सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता। लेकिन उनके लिए सेवक कौन है? आप है। जब उनके जीवन में कोई तकलीफ आए तो आपको ये बोलना चाहिए कि भैया मैं क्या आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। आपके प्रार्थना में वो सामर्थ्य होना चाहिए कि एक लंगड़ा भी उठकर खड़ा हो जाए। आपके प्रार्थना में वो सामर्थ्य होना चाहिए कि उस व्यक्ति के जीवन के जो दुख है वो हट जाए। जब ऐसा होने लगेगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलीसिया इतना बढ़ेगा तो शायद हमें टेंट खरीद के प्रार्थना करना पड़ेगा। क्यों? ये हम सब सेवा करेंगे। हालेलुया, अपने अपने जगह में। आगे क्या लिखा है? जवान दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे पुरनिय स्वप्न देखेंगे। क्या देखेंगे? स्वप्न देखेंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, अगर आप लोग समझ पाएंगे तो। पुरनिय मतलब कौन? बोलिए उम्रदार लोग, मतलब बुजुर्ग लोग। स्पेशली बुजुर्ग लोगों को क्या होता है, स्वप्न तब ना देखेंगे जब उसको नींद आएगा। आजकल के बुजुर्ग लोग क्या बोलता है, हमारे सारो बहन और सुकन्या बहन को मालूम है, बुरे लोग आप लोग के वहाँ पे केमिस्ट में आके ज़्यादातर क्या लेते हैं, नींद का दवा। बोलते हैं हमको रात में अगर मैं नींद का दवा ना खाऊं तो क्या नहीं होता, नींद नहीं होता। लेकिन प्रभु ने कुछ और बोला, प्रभु ने बोला बूढ़े लोग क्या देखेंगे, इसका मतलब परमेश्वर में जो बूढ़े लोग होंगे उसका नींद कम नहीं होगा, उसको प्रभु ऐसे ही नींद देगा मानो 5 साल का बच्चा जैसा सोता है। लेकिन जिसका नींद नहीं होता है बूढ़े लोग, समझ जाओ इसका मतलब आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, कम है। बाइबल कहता है बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे, और स्वप्न देखना है तो क्या करना है? देखिए दर्शन हम आंख खोल के देख सकते हैं, लेकिन स्वप्न आंख खोल के नहीं, बल्कि स्वप्न किस में आता है, नींद में। लिखा गया है घर के बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे। प्रभु स्वप्न देखेंगे मतलब वो अच्छे से सोएंगे। अभी मुझे एक बात बताइए, घर के कितने बूढ़े लोग रात को अच्छे से सोता है? कभी कभी मेरा पिताजी कहता है मुझसे कि मुझे नींद नहीं होता,
तो मैं क्या बोलूं? प्रभु का वचन कहता है बूढ़ों को नींद मैं दूंगा अगर वो बूढ़ा मेरे वचन पे है तो, और ऐसा नींद दूंगा कि वो क्या देखेगा? स्वप्न देखेगा। सब बोले हालेलुया। सब ऐसा बोले प्रभु अगर मैं बूढ़ा भी हो जाऊं ना, बोले ना, विशेष करके जवान लोग नहीं जो बूढ़े होने वाले हैं, वे बोले प्रभु अगर मैं बूढ़ा भी हो जाऊं मुझे अच्छा नींद देना और उस नींद में तू अपने आप को मुझे दिखाना। दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? प्रभु का वचन कहता है बूढ़े दर्शन स्वप्न देखेंगे, और आगे क्या लिखा है जल्दी से, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से मैं उंडेलूंगा। अपने आत्मा से क्या करूंगा? उंडेलूंगा। दास दासी मतलब कौन है मालूम है? जो नौकर नौकरानियां है उनके ऊपर भी परमेश्वर अपने आत्मा को क्या करेगा? उंडेलेगा, है ना। बहुत लोग है ना, हो सकते हैं कि आप ऐसे जगह काम करते हैं किसी के बर्तन को क्या कर रहे हैं, मांज रहे हैं। आप बोलेंगे उसके लिए मैं नौकर हूँ, उसका झूठा बर्तन में मांज रहा हूँ तो मैं, मेरे ऊपर प्रभु काम करेगा? प्रभु वही बोल रहा है कि तेरे ऊपर भी मेरा आत्मा में उंडेलूंगा। अगर आपको याद है तो मुझे एक बात बताइएगा, एक व्यक्ति था जिसको सर से लेके पांव तक कोढ़ से भरा हुआ था और वो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन उसको बचाने वाला कौन था मालूम है? उसके घर के एक नौकरानी, एक छोटी सी लड़की ने कहा कि मेरा स्वामी अगर उस देश में होता, इज़राइल देश में होता जहाँ पे कौन है, एलिसा है, तो मेरा स्वामी का कुछ रोग ठीक हो जाता। मैं नमान कोड़ी के बारे बात कर रहा हूँ। मालूम है नमान कोड़ी का कोढ़ कैसे गया? कोई पास्टर आके सुसमाचार नहीं सुनाया, उसके घर के नौकरानी ने बताया अगर मेरा स्वामी मतलब जिसे घर में मैं काम कर रहा हूँ अगर इज़राइल के प्रभु के दास के घर में होता, वहाँ होता तो मेरा स्वामी का सारा कोढ़ क्या हो जाता है। मालूम है नमान कोड़ी वहाँ गया उस छोटे से बच्ची का बात सुनकर, और जब वापस आया पूरा बच्चे जैसा शरीर लेके आया। हालेलुया। इसलिए घर में मर्तन बाजने वाला व्यक्ति आपका वो काम है, इससे बड़ा काम क्या है? ये मत सोचो कि आपका बॉस है जो उसके पास है, जो आपके पास है उससे बढ़कर आपके पास है। हालेलुया। लेकिन हम क्या समझते वालों में, हम तो बर्तन मांजते हैं, हम क्या बोलेंगे? ये तो मेरा बॉस है, हम क्या बोलेंगे? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उस बॉस के बारे बात करते जो पूरे दुनिया को बनाया है और उसका पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके अंदर प्रभु ने क्या किया है, दिया है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर समय एक बात याद रखिएगा, सृष्टि में जब पवित्र आत्मा मंडला रहा था तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, सुनसानपन चला गया और बेडोलपन चला गया। आपके सुनसानपन, आपके बेडोलपन को अगर आपको हटाना है दो बातें होना जरूरी है, एक परमेश्वर का वचन और दूसरा पवित्र आत्मा। मैं वचन के बारे बात नहीं किया, मैं पवित्र आत्मा के बारे बात किया और ये वचन में बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। हर समय याद रखिएगा पीड़ितों के काम 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। सब बोलिए जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा क्या पाओगे आप, और उस सामर्थ कहाँ इस्तेमाल करोगे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु आपको जरूर क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। आपके नौकरियों में, आपके बॉस के सामने, आपके कलीग के सामने, किसी बस्ती में, किसी गली में परमेश्वर वहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा। सिस्टर ने कही कि रात के समय वो व्यक्ति आया मेरे गाड़ी के मेरे सामने में खड़ा हो गया और मुझे देखा और चला गया। आपने तो उस व्यक्ति को देखा लेकिन आपके आसपास में जो स्वर्गदूत था उसने उसको नहीं देखा। आमीन। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं मेरे बच्चों को अपने पंखों के आड़ में क्या करता हूँ, संभालता हूँ। हालेलुया। क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है, परमेश्वर संभालता है। इसलिए मेरा आप लोगों से एक विनती है, हर समय प्रार्थना करें, हे प्रभु तेरे उस आत्मा से मुझे क्या कर दे, परिपूर्ण कर दे।